हेलो एवरीवन, दिस इज आयन चौकसी। मैंने 2019 में डोमिनार ली, डोमिनार 2019 वाला मॉडल 400 सीसी। अचानक से ले ली, कोई प्लानिंग नहीं था, ना ही कोई एक्सपीरियंस था 400 सीसी की बाइक चलाने का, तो और ना ही मैं उस टाइम पे यूट्यूब करता था। ये मेरा बाय द वे फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में। मैंने राइड काफ़ी सारे किए, तो 2019 का जब मैंने मॉडल लिया तो काफ़ी मैं खुद शॉक था कि अचानक से हो गया ये कैसे। करीबन एक साल होने को है और करीबन 12,500 से ज़्यादा किलोमीटर घूम चुकी है मेरी बाइक मेरे साथ। तो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू तो बनता था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बट कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं था डोमिनार 2019 के रिलेटेड का। तो चलिए रिव्यू करते हैं डोमिनार का। उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर भी कीजिए। डोमिनार का रिव्यू मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डोमिनार, जैसे कि इंजन्स, ब्रेक, टायर, एग्जॉस्ट, जो परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं। दूसरा, नॉन परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डोमिनार, पेंट, बॉडी। तीसरा, राइडिंग एक्सपीरियंस, उसमें भी दो पार्ट है, सिटी राइड और लॉन्ग राइड। और हाँ, एंड में मेरी डोमिनार का सिनेमैटिक शॉट होगा, तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लाया हूँ ये डोमिनार का रिव्यू। मैं आपको एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर रिव्यू ही होगा लॉन्ग टर्म रिव्यू। मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं इसके रिलेटेड के। सो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही मैं बात करूँगा। अगर इंजन की मैं बात करूँ तो इंजन का मैं पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है, रेगुलर मैं सर्विस कर रहा हूँ, कोई सर्विस कीप नहीं की है, तो इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो ट्विन कैनिस्टर एग्जॉस्ट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जो बाज है उसका वो बरकरार है, जैसे 9-10 महीने पहले था वैसे ही बाज है उसका। हम यूज़ टू हो रहे हैं सो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता है, पर दूसरे बंदों को डेफिनेटली पता चलेगा कि ये कुछ नई सुपर बाइक टाइप की कोई बाइक जा रही है। सो थम्स अप फॉर द एग्जॉस्ट। अगर पीछे के ब्रेकिंग सिस्टम में बात करूँ तो पीछे का ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। मुझे थोड़े कई पॉइंट्स पे दिक्कत होती है, खास करके जब स्पीड पे होता हूँ और ब्रेक लगाऊँ तो थोड़ी गाड़ी स्किप होती है। ये ब्रेकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है या टायर की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। मगर पीछे के टायर की मैं बात करूँ तो स्टॉक टायर जो है MRF का वो इतना पावरफुल नहीं है। स्टॉक टायर मिसिलिन का होता तो और अच्छा होता। अगर मैं फ्रंट टायर की मैं बात करूँ तो फ्रंट टायर MRF का जो है वो काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हेडलाइट की बात करूं, जो स्टॉक हेडलाइट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया हुआ है रिलेटेड टू लाइट, क्योंकि मैं हाईवे राइड करता हूँ, रात को राइड करता हूँ तो थोड़ा और लाइट की ज़रूरत पड़ती है, मगर स्टॉक लाइट भी इनफ है आप अगर स्मॉल राइड करते हो तो। अगर मैं USD फॉग की बात करूँ, USD फॉग जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जो पहले पहले का जो आगे का सस्पेंशन था उससे तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस अभी हुआ है नए USD फॉक्स आने से। अगर पीछे का मोनो सस्पेंशन की बात करूँ, तो पीछे का मोनो सस्पेंशन थोड़ा मुझे स्टीफ लगता है, और मूवमेंट होता उसमें तो अच्छा होता। तो ओवरऑल सस्पेंशन दोनों काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। अगर मैं चेन की बात करूँ
तो चेन मुझे थोड़ा दिक्कत देती है, थोड़ी जैसे कि खड्डे हो या कुछ ऐसी जगह हो वहाँ पे थोड़ा आवाज़ करती है, बट इट्स ओके। ये मेरी ही दिक्कत है क्योंकि मैं ऑयलिंग रेगुलरली करवाता नहीं हूँ। अगर दूसरी रेडिएटर की बात की जाए तो रेडिएटर काफ़ी अच्छा है। रेडिएटर में खास करके लॉन्ग राइड में रेडिएटर का आप इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हो, इंजन को काफ़ी कूल डाउन रखता है। तो थम्स अप फॉर रेडिएटर। स्टार्ट। तो परफॉर्मेंस पार्ट्स की मैंने रिव्यू कर दी, और परफॉर्मेंस पार्ट्स के में बारे में शॉर्टली बात करूँ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, देखिए गाड़ी ये परफॉर्मेंस पार्ट्स की वजह से। अगर आगे आए थोड़ा तो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा पेंट्स के रिलेटेड का और प्लास्टिक बॉडी के रिलेटेड का। पेंट है जो डोमिनार का वो काफ़ी अच्छा अभी भी फिनिशिंग है, शाइनिंग काफ़ी बरकरार है। बॉडी पार्ट्स की मैं बात करूँ तो अभी भी काफ़ी मजबूत लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बॉडी पार्ट्स में। आ गई बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, राइडिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो सिटी राइड में आपको पहले थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 400 सीसी की बाइक है, और 400 सीसी की बाइक को पहली बार जब आप चलाते हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, वजन में थोड़ी हैवी है तो आपको ऐसा लगता है कि यार गलत बाइक ले ली। पर जैसे कि 2-3 महीने स्पेंड हो गए ये बाइक पे, सो डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी। सिटी राइड में भी काफ़ी अच्छी स्मूथ राइड आपको प्रोवाइड करेगी। अगर हाईवे राइड की मैं बात करूँ तो हाईवे राइड तो यार एकदम मक्खन जैसी है। मैं राइड करता हूँ करीबन पहले दिन जो स्टार्टिंग डे होता है वो 700-800 किलोमीटर की राइड होती है, सो आराम से मैं 700-800 किलोमीटर कोई भी दिक्कत के बिना क्रूज़ कर सकता हूँ। सो ये राइडिंग के बाद राइडिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। और हाँ, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि ये गाड़ी में जितने मैं एक्स्ट्रा एक्सेसरीज फिट की थी उसके बारे में एक रिव्यू करूँ, तो आपको पता चले कि डोमिनार के रिलेटेड की जो एक्सेसरीज़ है वो अच्छी है, कैसी है, आपको लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा जहाँ से मैंने फिट किया हुआ है एक्सेसरीज़ वहाँ भी आपको ले चलूँ, तो आपको आइडिया है कि मैंने जहाँ से ली है वो शॉप कैसी है, उस प्राइजिंग कैसी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सेसरीज़ के रिलेटेड का हो। मैंने एक राइड भी की है जिसका मैंने व्लॉगिंग भी पूरा किया हुआ है, सो वो रिव्यू के बाद, मतलब के जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाए हुए हैं उसका रिव्यू होने के बाद वो वीडियो अपलोड होगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।